उसे उपखंड के श्री रामनगर ग्राम पंचायत के गौशाला परिसर में श्री रामनगर मित्र मंडल के युवा सदस्यों द्वारा रायमलवाड़ा गांव की तर्ज पर सेवन धामण घास की जुताई की गई। दिखाते हैं पूरी खबर। गौशाला परिसर में गायों के लिए चारे पानी की पूरी व्यवस्था पहले से है और हरे चारे की व्यवस्था हो इसके लिए श्री रामनगर मित्र मंडल के सदस्यों द्वारा 100 बीघा जमीन में धामण घास लगाकर प्रयोग किया गया। प्रयोग सफल रहा तो आगामी वर्षों में ज्यादा क्षेत्रफल में धामण घास की बुआई की जाएगी। श्री रामनगर मित्र मंडल के सदस्य ऊर्जा राम गोदारा ने बताया कि पिछले दिनों ग्राम पंचायत रायमलवाड़ा के युवा सदस्यों द्वारा लगभग 700 बीघा में धामण घास की बुआई की गई थी। उन्हीं से प्रेरणा लेकर श्री रामनगर के युवा साथियों ने सोचा कि इस तरह का प्रयोग हमारी ग्राम पंचायत श्रीरामनगर में करें और उसी के तहत आज लगभग 100 बीघा जमीन में धामण घास की बुआई की गई। इस दौरान युवा नेता निंबाराम गोदारा ताजा राम जी, भगवान राम जी, राम राम, हरि राम, टीकू राम, जाला राम, बिरादा राम, लक्ष्मण, दमा राम, सियाग मदन लाल गोदारा, ओम प्रकाश, अर्जुन किशन, मांगीलाल, राजू राम मुल्तान, सोहन जगदीश आदि श्री रामनगर के युवा साथियों द्वारा धामण घास की बुआई में निस्वार्थ भाव से जन सहयोग से गायों के हरे चारे के लिए सेवन धामण की बुआई की गई। ओसिया से वीएमआर भारत टीवी के लिए संवाददाता अभिराम प्रजापत की रिपोर्ट।